मोदी बाजार के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है। और कल के आप मोदी जी के भाषण को सुनिए, वो क्या कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। हम कहते हैं कि आओ, गरीबी के खिलाफ एकजुट होते हैं। अरे लुटेरा, चोर चोर बेईमान, बेईमानी करके जो है लोगों को ठग करके, लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके, झूठ बोल करके, बगुला की तरह गर्दन हिला रहे हो। सच बात क्या है? आइए हमारे साथ। तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था? देश की जनता ने आपको देश का वजीरे आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया। अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने गरीबी के लिए क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि काला धन को वापस लाने के लिए आपने क्या किया। भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा से बाहर है भ्रष्ट है, और जो ही भाजपा में आता है गंगा जल पीते ही पवित्र हो जाता है। ये कैसे संभव है? कल के मंच पे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, मन किया कि कैसे बोलता है आदमी, कहां से लाता है इतनी बेशर्मी। मैंने बेशर्म भी देख करके शर्मा जाए उसको, क्या मोदी जी आगे चलते हैं। उसी नीतीश कुमार को यही प्रधानमंत्री रहते हुए जब अलायंस टूट गया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2015 की बात है, ये 2019 है। हमारा याददाश्त इतना कमजोर हो गया है क्या? 20 रुपए वाला टॉपअप है कि 16 रुपए का ही बैलेंस मिला है? 4 साल पुरानी बात याद नहीं रख सकते हैं? वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिए तो वो सुशासन से कुशासन हो गए, और जो ही वो गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ आए तो फिर से सुशासन हो गए। अरे बाप रे, ये तो चंद्रकांता सीरियल का आईआर है। यही है ना, उसी नीतीश कुमार को वही प्रधानमंत्री बोले कि इसका डीएनए खराब है। अभी उसी मंच पे, उसी गांधी मैदान में, उसी पटना में, इसी बिहार में खड़ा होकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। तो जनता को वो लोग क्या समझ रही है? जनता को वो लोग भेड़ बकरी समझ रही है, और सबसे ज्यादा वो लोग मुसलमान का तो छोड़ दीजिए, नाम मत लीजिए। देश में माहौल ही ऐसा है कि मुसलमान का नाम है मत लीजिए। मुसलमान इनके लिए इंसान नहीं है, बस नंबर है। कितना परसेंट मुस्लिम वोट है, चलो सेट कर लेते हैं, सेकुलर सेकुलर खेलते हैं, नहीं मुसलमान वोट सेट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मूर्ख तो वो हिंदुओं को बना रहे हैं। टाइम टाइम पे क्या करते हैं, फेंकते हैं कि अच्छा विकास से मन भर गया तो लो राम मंदिर का फुटबॉल थोड़ा इसे खेल। अच्छा राम मंदिर से हो गया, मन उग गया तो लो अब जो है भारत पाकिस्तान देते हैं। क्या चल रहा है देश में? और ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि कंट्रोल कहां से होता है, वहीं से। अब फेयर एंड लवली लगाने से दूध जैसी गोराई प्राप्त नहीं होगी, अब HD ग्लो होगा, HD ग्लो। जैसे वीडियो में आपको HD वीडियो आया, तो अब फेयर एंड लवली भी HD ग्लो वाला फेयर एंड लवली लेकर के आया है। मां धना धन रगड़िए उसको सुबह सुबह, धना धन जब रगड़ने का आदत हो जाएगा तब एक नया बाबा आएगा, पहले सिखाएगा योग और उसके बाद कहेगा कि खरीदो फेस वॉश। वही बाबा बोला कि ये विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति थोप रही है, इसीलिए हम देसी माल तैयार करेंगे।
और उसके घी के डब्बे पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी। तो विदेशी घी भी होता है क्या? आप में से कुछ लोग बाहर गए हैं कि नहीं? तो जो गया हो उसको पकड़ करके पूछ लीजिएगा, कैसा दोस्त बताओ दुबई में घी मिलता है क्या? बटर होता है वहां पे, वो लोगों को घी निकालने ही नहीं आता है। और आप अंग्रेजी के डिक्शनरी को जाकर के देख लीजिए, घी GHEE घी, हिंदी घी, घी का अंग्रेजी कुछ होता है क्या? तो डिब्बा पे अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि आपके दिमाग में घुस गया है, दिमाग में लाला रामदेव घुसा दिया है कि विदेशी सामान नहीं लेंगे, देसी सामान लेंगे। अब बाबा खुद विदेशी है, बाबा खुद विदेशी है, देसी माल बेच करके विदेश का भ्रमण करता है। प्रधानमंत्री उसी का चेला है, कपाल भाती दोनों साथ में बैठे करता था, छोड़िए पकड़िए। योग एक विद्या है, योग एक पद्धति है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसको योग से कोई लेना देना नहीं है, इसको ब्रांडिंग से लेना देना है, इसको माल बेचना है। और जिसको माल बेचने की आदत हो जाएगी वो जनता को ग्राहक समझता है, नागरिक नहीं समझता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी, उस लोकतंत्र को इन्होंने खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए बना दिया है। और कैसे होती है खरीदारी? अभी टिकट का खरीदारी चल रहा है सब पार्टी में, हम आम में सभी नती हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अभी टिकट का खरीदारी चलेगा, और टिकट का खरीदारी जब समाप्त हो जाएगा तब वोटर का खरीदारी चलेगा। तो क्यों देते हैं प्रधानमंत्री को गाली? प्रधानमंत्री का दोष थोड़ी है, हमारा दोष है ना। हम मूर्ख बनने के लिए यदि तैयार हैं तो कोई हमको मूर्ख क्यों ना बनाए? जब हम वोट करेंगे धर्म के आधार पे, तो हमको हर रात टीवी में मंदिर मस्जिद का ही बहस सुनाई देगा ना। जब हम वोट करेंगे जात के आधार पे, तो हमको नेता जातिवादी ही मिलेगा ना। जिस दिन हम वोट करना शुरू कर देंगे शिक्षा और रोजगार के लिए, उस दिन नेता को भी शिक्षा और रोजगार का बात करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस गंभीर समय में मैं अपने लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र संवाद पर टिका होता है। और जब हम संवाद करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आप हमसे सहमत नहीं होंगे और हम आपसे सहमत नहीं होंगे। आप हमारे असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे और हम आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे। यह जो सहमति है, इसी सहमति से देश बनता है, इसी सहमति से शासन प्रशासन और लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस लोकतंत्र शासन और प्रशासन को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, ज्वलंत रखना चाहते हैं, तो हमको अपना आंख कान नाक खुला रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दंगाइयों से लड़ते लड़ते हम खुद ही नफरत की आग में जलने लगे। ऐसा ना हो कि झूठेंदर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते हम खुद ही झूठ बोलना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि जुमलेबाजों से लड़ते लड़ते हम खुद ही फेंकना शुरू कर दें। अब राष्ट्रवाद को भी एक ब्रांड बना दिया है, जैसे कजारिया टाइल्स देश की मिट्टी से बना है, बाकी सब क्या इंग्लैंड की मिट्टी से बना है? कि वो भी तो देश की मिट्टी से बन रहा है। कैसे राष्ट्रवाद को आज हमारे सामने बेचा जा रहा है, किस तरीके से हमारी देशभक्ति की जो भावना है उस देश की भक्ति की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो जो है वो रिंकिया का पापा, वो आजकल जो है आर्मी का सूट पहन करके वोट मांगने के लिए जा रहा है। पीके सिनेमा देखे हैं तो आमिर खान जो है भगवान का फोटो चिपका लेता है कि कोई झापर नहीं मारे, तो आर्मी का ड्रेस पहन लिया है। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को मारना चाहिए, मारपीट करने में हम भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन साजिश क्या है आप इस बात को समझिए। आते हैं हमारे गप्पू जी,
और हर भाषण को भारत माता की जय से शुरू करते हैं और भारत माता की जय से खत्म करते हैं। कौन है भारत की माता? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल है, यूट्यूब पे है, आप सबके पास मोबाइल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू की लिखी हुई किताब है उस पे आधारित जो सीरियल बना है उसके वीडियो को देखिएगा। उसमें नेहरू एक सभा में पूछ रहे हैं कि कौन है भारत की माता। हम लोग, भारत के लोग ही भारत की माता हैं। यह जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है, यह कैलेंडर में दिखने वाली भारत माता भारत की माता नहीं है। भारत की माता भारत के लोग हैं, और जो भारत के लोग हैं, भारत के जो किसान हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं तो भारत की माता तकलीफ में है। और जिसको भारत का बागडोर सौंपा गया है वो उन किसानों के लिए भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करता है। मतलब वो भारत माता का अपमान कर रहा है, हम भारत माता का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो नौजवानों को कहता है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2 करोड़ नौकरी उनको नहीं देता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। जो कहता है कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा और वो आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है। भारत माता का अपमान करें आप और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे मुसलमान से, ये कहां का न्याय है? पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को? खबर आई किसी को? 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है। और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको वहां अलवा छीनने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, इनके ही हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं, भाजपा के हिसाब से ही मान लेते हैं कि JNU और AMU में, क्योंकि अब सिर्फ JNU की बात नहीं है, दिल्ली से चल करके मामला अलीगढ़ तक पहुंच गया है और कल को जो है किशनगंज भी आ सकता है, तब शायद आपको पता चले कि सचमुच यदि JNU और AMU में कुछ हुआ है तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, IB क्या कर रहा है, यह सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं? जैसे मोहम्मद ने आतंकवादी घटना की, हमारे देश के जवान शहीद हुए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौन करेगा? फेसबुक पोस्ट से खत्म होगा? ट्विटर पे एक दूसरे को गाली देने से खत्म हो जाएगा? कि उसकी जिम्मेवारी किसी को लेनी पड़ेगी? रक्षा मंत्री का एक भी बयान आप में से किसी ने भी सुना है? तो रक्षा मंत्री देश की रक्षा के लिए बने हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ की रक्षा के लिए बने हैं? ऐसा माहौल है, आपने गृह मंत्री का कोई बयान सुना है? जानते हैं गृह मंत्री कौन है? सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं? कड़ी निंदा। तो वो गृह मंत्री नहीं है, वो कड़ी निंदा मंत्री है, एक अलग से विभाग खुला है। गृह मंत्री का आपने कोई बयान सुना है? धन्यवाद मोदी जी, आप नहीं होते तो हम बदला नहीं ले पाते। ऐसा लग रहा है कि अभिनंदन पायलट नहीं थे, वो नहीं उड़ा रहे थे मिराज को, मोदी हेलमेट पहन करके गया था वो। देश चल नहीं रहा है, एक भाषण अपने मन से दे नहीं सकता है, लिखा हुआ पढ़ता है उसमें भी गलती करता है और झूठ बोलता है, उसको श्रेय दिया जा रहा है कि उसने बदला ले लिया।
आप भूल रहे हैं मेरे देशवासियों, ये बदला नहीं ले सकता है, ये बिरयानी जाकर के खा सकता है, ये कभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना ही नहीं है। बदला ये कैसे लेगा? बदला लेने के लिए जो ही जाएगा तीवी इसका दोस्त जो है अदानी, इसको पीछे से चुट्टी काटेगा ऐसे करके। कहाँ जा रहा है? ज्यादा करोगे चंदा नहीं देंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ोगे, हेलीकॉप्टर पे कैसे चढ़ोगे? है हिम्मत? इस देश के आम लोगों से कहता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, सबूत पेश कीजिए। हम कहते हैं सरकार से कि है हिम्मत तो अदानी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसको जरा बंद करके हमको दिखा दो। दुमाल का बेटा का जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जरा उसको बंद करके हमको दिखा दो। कल के भाषण में बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि अरब के प्रिंस आए थे और प्रिंस से हमने तुरंत बात कर ली है, अब भारत के लोग जो है वो ज्यादा संख्या में हज करने के लिए जाएंगे, बचेंगे तब ना। यहां तो लोग टिफिन बॉक्स लेकर के चलने के लिए तैयार नहीं है। डर का आलम आप खुद महसूस करके बताइए ना देश में क्या है। मटन का गोश्त भी लोग किशनगंज से दिल्ली ले जाने को तैयार नहीं है। ये सच है, ये डर का आलम है। सऊदी के प्रिंस से अपने वार्तालाप के बारे में ये बता रहे थे, बोले कि तुरंत बात कर दिए, सब ठीक हो गया। हमको कहते हैं, देश को समझाते हैं कि सिद्धू इमरान खान से मिल करके आ गया तो सिद्धू देशद्रोही है। तो सऊदी अरब का प्रिंस भी तो मिल करके आया था, तुम उससे काहे मिले? तुम कहते कि हम इमरान खान से मिल करके आया हुआ है ये प्रिंस, इससे हम नहीं मिलेंगे। धंधा का मामला है ना दोस्त, बिजनेस का मामला है। एकदम गलती से भी ये भूल मत कीजिए, इसको प्रधानमंत्री समझने की भूल मत कीजिए। ये आदमी प्रधान प्रबंधक है और ये प्रधान प्रबंधक है, सीईओ है अंबानी और अदानी की कंपनी को, और यह जो देशभक्ति का नाटक कर रहा है, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना करके इस देश के लोगों के मन में एक खास तरीके का ब्रांडिंग करके फिर से चुनाव जीतना चाहता है और अपने चोर दोस्तों को मदद पहुंचाना चाहता है। कहता क्या है कल कि चौकीदार चौकन्ना है, किस बात के लिए? कि हम ही चुराएंगे, सब दलाली हम ही खाएंगे और अपने ही दोस्त को बिजनेस दिलाएंगे। और इस बात को पलट कैसे देता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं मोदी का टांग खींचने के लिए। इतना बड़ा नहीं हो यार, नहीं कहते हैं अपने मियां मुंह मियां मिट्ठू बन करके घूम रहे हैं। आप लोग इस प्रधानमंत्री को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? ये खुद ही अपने आप को इतना सीरियसली लेकर के घूम रहा है। हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दौर बहुत कठिन गुजरने वाला है, और वो कठिन दौर हमारे आने वाली पीढ़ियों का को ना झेलना पड़े, इसीलिए हमको एकजुट और इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अपना बेटा बेटी को राजनीतिक रूप से सेट करने का प्लान जो है आपको, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर दीजिएगा सेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, चुनाव लड़ें, उसे हमको दिक्कत नहीं है। जनता फिर उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दे, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष का भी कोई नेता राजनीतिक रूप से सेट हो जाए, बाप का विरासत उसको ट्रांसफर हो जाए, वो फिर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गीत, एक मुसलमान का दिया हुआ संगीत
वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है, ये हिंदुस्तान है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, इस गीत को लिखा एक मुसलमान ने, गाया एक मुसलमान ने, संगीत दिया एक मुसलमान ने, और ये बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जब अकबर को पूछा गया सिया है कि सुन्नी, अकबर बोला हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन अपने धार्मिक पहचान को अपने सामाजिक पहचान के आरे नहीं आने देते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि कौन शब्द कौन सी भाषा का है ये लोगों को मालूम नहीं है। रामचरितमानस में 12 से ज्यादा शब्द जो हैं वो फारसी के हैं। अमीर खुसरो का आप उनकी गजल को सुनिए, वो फारसी से शुरू होता है और खड़ी बोली में जाकर के कब समा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जलेबी हिंदुस्तानी है कि बाहरी है इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान को धर्म की आग में जलाने वाला अमित शाह के नाम में भी शाह लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि इसके इतिहास को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना, मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए, और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इस सवाल पे इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है। और जब देश हम सबका है तो हम सबकी बात करने वाला जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस एजेंडे पे हमको एकजुट होना चाहिए। उसी एकजुटता के लिए बेगूसराय से चल करके किशनगंज हम आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इस एकता को सुनिश्चित करेंगे और एकजुट होकर के इस देश के भीतर नफरत की सियासत करने वाले, उन्माद की आग में इस देश को जलाने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अस्ताकुल्ला खां के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।